Suppose four different things are there, A, B, C, D. In how many ways you can arrange two things? In how many ways you can arrange two things? In how many ways you can arrange two things out of four different things? A, B, C, D. Four different things you have. कितने डिफरेंट वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हो? टू थिंग्स को अरेंज करना है. दिस वन सेकंड लेक्चर सेकंड 12 different ways. Yes, sir. Okay. Anything else? Sir, 16. 16. Okay. Anything else? ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, बट डिफरेंट कंडीशन के साथ. 12 करेक्ट होगा, 16 भी करेक्ट होगा, बट डिफरेंट कंडीशन के साथ होगा. 16 कैसे मिला? हाउ यू गॉट 16? सर, इफ वी सी द देयर आर फोर टर्म्स ए बी सी डी. So there okay. might be a case where A has to be first, B has to be first, C has to be first, or D has to be first, or they have to be second, third, or fourth. Okay. So if we multiply all these conditions and the number of terms, we get 16. Okay. Then who got 12? Can you explain how you got 12? Sir, like A will go, each term will go with each other six times, like combinations will be six, and then I just multiplied it by two because it can either be AB or BA. Okay. Here my question was arrangement of two things. Okay. Arrangement of two things. First of all, 12 is the correct answer for this case. Ye condition ke sath ye 16 correct hoga. Kya condition rahega hum dekhenge. First, select two things. Manually हम check करेंगे तो कैसे किया जाता है. Select two things out of four. क्या क्या select कर सकते हो? Sir, A and B. A, B हो सकता है. It may be SC. It may be AD. It may be BC. BD. CD. Am I right? दो सिलेक्ट करना है आउट ऑफ फोर. इट मे बी ए बी, इट इज न्यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर यू ओनली. व्हाट आई डिड लास्ट क्लास, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दिस वन एंड दैट वन. ओके, ए बी एस सी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है. आपको बोला गया कि दो सिलेक्ट करो, आपको चार आउट ऑफ दिस फोर सिलेक्ट टू थिंग्स. आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो? ए बी ले सकते हो, ए सी रख सकते हो,
एडी रख सकते हो, बीडी, बीसी, बीडी, देन सीडी. दीज आर द सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स आउट ऑफ फोर थिंग्स. एम आई करेक्ट? यस सर. अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है सर? द कॉम्बिनेशंस दैट कैन हैपन. ए बी बी ए सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ए बी, सिलेक्शन ऑफ बी ए रिमेंस सेम. आप ए बी सिलेक्ट करो कि बी ए सिलेक्ट करो, दोनों में कोई फर्क नहीं है. ओके, सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन. सिलेक्शन सेम एज कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन बोथ रिमेंस सेम. ओके, बट अरेंजमेंट ऑफ ए बी एंड बी ए बोथ आर सेम और डिफरेंट? डिफरेंट. दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट. ओके, दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन. अरेंजमेंट मतलब परम्यूटेशन होता है, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, तो ए बी का दो केसेस बनेगा. फॉर ए बी यू हैव टू केसेस, ए बी एंड बी ए. एसी के लिए भी आपका दो केसेस होगा, एसी एंड सी. सो लाइक सबका दो दो केसेस बनेगा. तो टोटल कितने केसेस हुआ? दीज आर कॉल्ड सिलेक्शंस. दीज आर द सिलेक्शन ऑफ टू थिंग्स. सिलेक्ट करके मैंने फिर बाद में अरेंज किया. ये दोनों का अरेंजमेंट होगा टू टू डिफरेंट वेज में. ए बी बी आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स. सो ये सिक्स केसेस क्या हो जाएगा? सिक्स इंटू टू 12 केसेस. ओके, मैंने बताया 16 भी करेक्ट होगा. वो कब करेक्ट होगा? सर जब सेम चीज को रिपीट कर सकते हैं, लाइक ए ए या बी बी. यस, जब क्वेश्चन में रहेगा कि रिपीटेशन अलाउड होगा, आपको रिपीटेशन अलाउड किया जाएगा, मतलब आप ए ए ले सकते हो, बी बी रख सकते हो, सी सी रख सकते हो, डी डी रख सकते हो, तो वो केस में क्या होगा? आपका 16 केसेस आ जाएगा और 4 केसेस बढ़ जाएगा. इसका और डबल नहीं होगा. ए का डबल करोगे तो, मतलब आगे पीछे करोगे तो सेम दे रहा है, ए एंड ए दे रहा है, तो इसका वही 4 केसेस ज्यादा आपका इंक्रीज हो जाएगा. तो 12 प्लस 4 16 होगा whenever repetition allowed. If repetition not allowed, then their arrangement became 12. बट हम ऐसा थोड़ी काउंट करेंगे हमेशा. मेथड क्या है इसका? इसका मतलब होता है कि आपके पास दो प्लेसेस है. देर आर टू बॉक्सेस एंड आपके पास फोर डिफरेंट थिंग्स, ए बी सी डी, कुछ भी, एनी फोर डिफरेंट थिंग्स आर देयर. इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस बॉक्स? कितने डिफरेंट वेज में ये बॉक्स को आप फिलअप कर सकते हो? बॉक्स में एक ही जाना चाहिए, एक ही, ओनली वन थिंग्स यू कैन गिव. इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिलअप दिस बॉक्स? ये प्लेस को कैसे फिलअप करोगे? बॉक्स नहीं, सर, बोथ द बॉक्सेस और ओनली वन बॉक्स? नहीं, फर्स्ट बॉक्स टेक, कंसीडर दिस वन वन प्लेस. देयर आर टू प्लेसेस. ओके, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन फिल अप दिस प्लेस? फोर डिफरेंट वेज. एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और मतलब व्हेनेवर इन योर सेंटेंस देयर इज अ, इन योर स्टेटमेंट देयर इज अ और मींस प्लस होगा. ओके, आइदर ए केस होगा नहीं तो ओ केस होगा. तो दोनों केसेस आप एक साथ रख नहीं पाओगे. जब दोनों एक साथ होता है उसमें क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है. मैं अभी बताता हूं. और जब कहीं पे एंड होगा तो देयर यू हैव टू यूज मल्टीप्लिकेशन. फॉर एन एग्जांपल, ये सिटी ए, दिस वन सिटी बी, थर्ड सिटी. ओके, थ्री सिटीज आर देयर, ए बी सी. इन
three different ways you can travel from city A to B. Okay. And from B to C, you can travel in two different ways. You got my point? From city A to city B, you can travel in three different ways, three different routes. Okay. Consider three different routes you can travel from A to B. And from B to C, you can travel in two different ways. In how many ways you can travel from A to C? Six ways hoga na? One, two, like three, four, five, six. Okay. So kya mila? So when you travel from A to C, aap kya kar rahe ho? A to B and B to C. From A to B, you can travel in three ways. And matlab multiplication. From B to C, you can travel in two different ways. So kitne cases were? Six cases. So yahan pe arrangement ka matlab wahi hota hai. Arrangement of two things from four different things. तो कैसे होगा? इसका मतलब होता है कि आप कंसीडर करो कि आपके पास टू प्लेसेस है, ये दो प्लेसेस को आप फिलअप करना है. इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिलअप योर फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस. कैसे करोगे? सेकंड प्लेस कितने वे में होगा? फोर वेज होगा जब आपका रिपीटेशन अलाउड किया जाएगा. और अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो थ्री. If repetition not allowed, then three ways. ठीक है, यहां पे repetition not allowed. और ये 4x4 होगा जब आपका repetition allowed किया जाएगा. तो इसका आंसर कितना हुआ? 12 हुआ. इसका आंसर कितना हुआ? 16 हुआ. समझ में आया अरेंजमेंट का मतलब? Yes, क्या हुआ है? तो अरेंजमेंट आप ऐसे ही आप कर सकते हो. तो कितने डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे कंडीशन रहा डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो इसका मैं कंसेप्ट दे रहा हूं. अरेंजमेंट ऑफ आर थिंग्स from n different things. Arrangement of r things from n different things. Here n more than equal to r. Here n more than equal to r. Repetition not allowed. n more than equal to r. R का वैल्यू क्या हो सकता है? R का वैल्यू क्या हो सकता है? Sir, only positive values or zero. Zero हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. तो zero से start होगा. Zero less than equal to r less than equal to n and repetition not. इसका मतलब क्या है? आपके पास कितने प्लेसेस है? आर. देर आर आर प्लेसेस. ओके, ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये आपका सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अप टू आरथ प्लेस. इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस प्लेस? एन. एन एंड सेकंड प्लेस? एन माइनस वन. एन माइनस वन. थर्ड प्लेस? n minus 2. n minus 2. Rth place?
n minus r plus 1. N minus r. Sir, n minus r plus 1. When it is third place, n minus 2 हो रहा है. Second के लिए minus 1 हो रहा है. आरेख के लिए क्या होगा? n minus r plus 1. Or you can write n minus of r minus 1. एक कम हो जाता है. Second के लिए 1 हो रहा है. Third के लिए 2 हो रहा है. तो n minus of r minus 1. ठीक है, ये सबका मल्टीप्लीकेशन. इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, n minus 1 n minus 2 and so on up to n minus r plus 1. मतलब ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, एक एक डिक्रीज कर रहा है ना, एक एक कम. तो मैं रिवर्स से लिखेंगे तो क्या होगा, n minus r plus 1 increase karega n minus r plus 2 up to n n minus 1 into n. Am I correct? Yes sir. लिख दिया. इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 up to n minus r तक multiply divide कर देता हूं. चलेगा? ओके सर. ये आपका आंसर था. तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड 1 2 3 अप टू n minus r. ये जहां से स्टार्ट हुआ था ना, उसके प्रीवियस से मैंने 1 से लेके उसका प्रीवियस नंबर तक मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. सो दैट ये क्या होगा, ये जो न्यूमरेटर फैक्टोरियल न्यूमरेटर बिकेम n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर क्या हुआ, n minus r factorial. N minus r factorial. And this is the formula of NPR. This is the formula of NPR. Is that clear? Yes, sir. तो एनपीआर का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ आर थिंग्स इन एन डिफरेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स इन एन डिफरेंट थिंग्स विद नो रिपीटेशंस. यस, एनपीआर मीनिंग ऑफ एनपीआर इज द एनपीआर ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो यू कैन राइट लाइक दिस एनपीआर, और यू कैन राइट P N comma R. P stand for permutation. Okay. NPR. That is arrangement of R things. Sir, you wrote that in the first line. From N different things. And repetition. Not allowed. इसका मतलब होता है NPR. क्या पूछ रहे हैं? What is factorial? Factorial last time बताया था ना, factorial क्या होता है? Seven factorial का मतलब क्या होता है? Sir, multiplication of each term below seven. Up to one. It is product of first seven natural number. ओके, सेवन फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 अप टू 7 का मल्टीप्लिकेशन. इफ रिपीटेशन अलाउड, एन रेज टू आर. अंडर सेम क्वेश्चन, क्या होगा आंसर, एन आपका r places है, first place in how many ways you can fill up first place? N. Sorry, n way. Second place? N ways. N holes. Yes sir. N होगा. Yes sir. सबको n से. R place भी one होगा.
Yes, sir. तो कितना हुआ? N raised to R. Raised to R ways. Whenever repetition allowed, आपका आंसर होगा N raised to R. Repetition not allowed होगा तो NPR आप यूज कर सकते हो, but better go for concept. आपके पास इतने places है, वही places को आपको fill up करना है. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, based on that concept, I'm giving some questions. ठीक है, हाँ? लिखना है तो लिखो. डन. यस सर. ओके, बेस ऑन दैट आई एम गिविंग सम क्वेश्चन. सर आप थोड़ा स्क्रोल अप कर सकते हो?
आपको बड़ा नंबर मिल रहा है तो डोंट नो नीड टू राइट लाइक दिस, आप एक्सपोनेंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हो. सर वो फर्स्ट का आंसर ए वाला मेरा रॉन्ग है, वो करेक्ट किसका? आंसर अलग है. मेरा आंसर अच्छा मैंने जो आंसर आप तो वही भेजा ना लिखे हैं वो ना. रॉन्ग है शायद. अच्छा ठीक है. नहीं सर उसके बाद मैंने करेक्ट आंसर भेजा क्योंकि ऊपर मैंने आर ले लिया था एन के बदले. ओके सर, हाँ. ये सेकंड लेक्चर है ना अपना. सर मैं एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर कर नहीं पाया था अटेंड क्योंकि सर वो हमारा तब फिजिक्स का क्लास था. सर हाँ उसका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज सकते हो? हाँ सर किस? क्योंकि वो क्लास था ना, मतलब आई अटेंड सबका ही तो अटेंड नहीं कर पाया. ठीक है. इसके वो रिकॉर्ड उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं. ठीक है तो वो दिमाग से हटाओ, उसके साथ कोई ये नहीं, वो अलग था ये अलग है. ठीक है सर. उसका कंसेप्ट अलग था, ये कंसेप्ट पूरा अलग है. एट रेस टू सिक्स किसका आंसर है? थर्ड यस वन. सर. हाँ सर थर्ड वन 8 raised to 6 divide by 2. सर मेरे वो डिवाइड और उसका नहीं हो रहा है, वो टाइपिंग प्रॉपर कभी कभी होता है कभी नहीं होता है, इसके लिए वो नहीं हो पाया. तो 8 raised to 6 by 2 है. हाँ सर और ये divide by 2 है इसका भी आंसर. ए बी बाई टू. हाँ सर. पति 5 मिनट पति है कि मीटिंग में. આપણે એકલા નું છે, આપણે એકલા જ જવાના છે, આપણે એકલા જ છે મીટિંગ માં જ્યારે આ થશે. હા હા મારે છોકરાને 10 10. ઓકે
क्या तने क्या पूछ रहे हैं? Can you explain how did you solve this? मैंने कहाँ सॉल्व किया? सर कौन सा? Any different answer? This one 7 factorial into 2. Yes sir. Anything else? Okay. First one, find number of 5-digit numbers using 2, 3, 8, 7, 9, 7, 1, 9, 4. How many digits are given? 7. 7 digits are given. Okay. आपको 5-digit numbers निकालना है. A repetition not allowed. Means you have 5 places. In first place, in how many ways you can fill up your first place? Sir, n ways. 7 ways. क्योंकि 7 digits are there. Then second? 6. 6 ways. 5, 4, 3. Okay. It is 5040 by 2. 2520 is the correct answer. This one also correct. Okay. When repetition allowed kya jayega? The first place you can fill up with? Seven ways. Second? Seven. Third be 7. Fourth be 7. Fifth be 7. So 7 raised to? Is it 7 raised to 5? Seven, 49, 31, 7 to aa sakta hai. हाँ सर है. यस सर. सर
like that means when repetition is allowed, so how many number of digits are there, so we can just write that like according to the question asked, right? Okay, so what you are trying to ask, I'm not getting actually. No, so here it was written a 5-digit numbers and repetition along. Five digit number means 5 places you have. Yeah, so yeah, okay, understood. So this place you can keep 3, 2, 3, 8, 7, 9, 1, 4. Any digit you can keep here. So 7 different ways you can fill up this place. Second one also 7 different ways. Because digits repetition allowed kya ja raha hai. आप यहाँ पे 2 रख के इधर भी 2 रख सकते हो, तो सेम डिजिट भी आ सकता है. दैट्स व्हाई दिस प्लेस आल्सो यू कैन फिल अप विद 7 डिफरेंट वेज. बट व्हेनेवर रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो फर्स्ट प्लेस में आप जो भी डिजिट यूज करोगे बाकी प्लेसेस में उसको यूज कर नहीं पाओगे, इसलिए एक 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 कम हो रहा है. मतलब सर नंबर कोई भी हो सकता है. हाँ ठीक है सर. Second one, number of 5-digit numbers using, again here 7 digits given, but इसमें एक zero आ गया, ठीक है? Repetition not allowed. 5 places you have. In first place, how many ways you can fill up your first place? Six ways. Six different ways. क्योंकि इधर आप zero रख नहीं पाओगे. Here you can't keep zero here. Okay. So 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6 रख सकते हो, 3, 5, 1. ये 6 डिजिट से कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, बट 0 यू कांट यूज हियर. एंड सेकंड प्लस 6 जो यूज हो जाएगा उसमें हम इसको सेकंड प्लस में रख नहीं पाएंगे, बट 0 आ सकता है. एक कम हो गया बट 0 एक फिर आ गया. सो दिस प्लस यू कैन फिल अप विद 6 डिफरेंट वेज. This one? Five ways. 4. Okay. So 180 into 12. 160. इसमें 5 नहीं था. समझाइए. रेपिटेशन अलाउड किया जाएगा तो फर्स्ट प्लेस कितने वे में? सिक्स वे. सेकंड सेवन. कितना हुआ? सिक्स इंटू सेवन फोर. ये तो सेम है. इज इट 6 into 7 raised to 4? No. क्योंकि ये 7 raised to 4 था ना, ये तो ये नहीं 7 raised to 5. हाँ ये 7 raised to 5 था, तो ये नहीं होगा. समझा? Yes sir. और में one more answer 7, 7, 6, 5, 8, 2. Third one, find number of 6 digit even numbers using 2, 0, 8, 1, 5, 7, 9, 4. अच्छा, how to know number is the even digit? Sir, it should end with a even means 2. Unit plus में even number रहेगा. Multiple of 2. Yes sir. Multiple of 2 तो आप अभी इसमें दिखा नहीं पाओगे. Unit plus में आपका क्या रहेगा? Even digit होना चाहिए, है ना? But sir, we can also show like the 6 digits जितने भी number आएंगे divided by 2. तो ऑब्वियस होगा ना, व्हेनेवर इवन यूनिट प्लेस में आपका इवन डिजिट रहता है तो डिविजिबल 2 होता है ना.
No, sir. I am saying that however how many ever numbers are possible, out of them half would be even and half would be odd. So after all the calculations, we could divide it by two so that we get the even numbers. Is it? No, sir. Sir, because like 4 out of 8 of the numbers are even. कितने numbers होगा इसमें? अच्छा ये एक मिनट सर वो केस में 5 को मैं हटा देता हूँ ठीक है रिमूव 5 हाँ 1 2 3 में कितना नंबर्स होगा यूजिंग 1 2 3 नंबर ऑफ नंबर्स 3 digit नंबर सर 1 नंबर ऑफ 3 digit इवन ऑड छोड़ दीजिए 6 नंबर ऑफ 3 digit नंबर कितना होगा 6 नंबर्स होगा क्योंकि 3 प्लेसेस 3 डिजिट्स फर्स्ट प्लेस यू कैन यूज 3 डिफरेंट वेज सेकंड प्लेस 2 थर्ड वन 1 मतलब 3 फैक्टोरियल 6 ओके क्या क्या नंबर्स में मैन्युअली हम यू कैन राइट 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1. Among them, how many of are even numbers? Two. So exactly half hua kya? No, sir. Aisa nahi hai. Exactly half even hoga, half odd hoga. Wo kab hoga? Jab aapka number series mein hoga. Then half of them even hoga, half of them odd mein hoga. ऐसा कुछ ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा इधर फाइंड नंबर ऑफ 6 digit नंबर्स इवन नंबर्स नहीं थर्ड वन इवन नंबर यस आपको क्या क्या डिजिट्स दिया गया 2 0 8 1 5 7 9 4 तो आपको कैसे पता चलेगा आपका यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए इवन डिजिट होना चाहिए यस सर ठीक है केस वन मतलब फर्स्ट वन इज द रिपीटेशन नॉट अलाउड यहां पे मैं जीरो रख दूंगा तो इफ आई कीप जीरो हियर ठीक है इवन नंबर होगा यस सर इसमें मैंने फिक्स कर दिया जीरो फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस में ठीक है अच्छा अभी ए प्लेस को कितने वे में फिल अप करूंगा 7 क्योंकि इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा देन दिस प्लेस 6 5 4 3 ये आपका एक वन वे यहाँ पे मैंने जीरो को फिक्स किया ठीक है यस सर जीरो नहीं होगा तो क्या क्या हो सकता है 2 4 और 8 2 4 8 आ सकता है 2 आ सकता है 4 भी आ सकता है 8 भी आ सकता है मतलब दिस प्लेस यू कैन फिल अप विथ 3 डिफरेंट वेज आइदर 2 और 4 और 8 ठीक है सपोज मैंने इधर 2 रख दिया इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस प्लेस 6 ये 6 5 नहीं जीरो आ सकता है इधर जीरो नहीं आएगा यहाँ पे जब मैंने जीरो रख दिया इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा बट यहाँ पे मैंने अदर देन जीरो रखा तो ये प्लेस के लिए रेस्ट्रिक्शन आ गया जीरो नहीं होगा ए नंबर से एक नंबर नहीं होगा जो ऑलरेडी यूज होगा ठीक है ना तो 6 यहाँ पे जीरो आ सकता है देन 5 4 तो ये आपका केस 1 ये आपका केस तो इधर क्या होगा आइदर केस 1 होगा और केस 2 होगा दोनों एक साथ हो सकता है क्या नो सर कोई एक होगा आइदर केस 1 और केस 2 और का मतलब क्या करेंगे ऐड यस यू हैव टू ऐड इट बोथ यू हैव टू टेक दैट सम सर सर एक डाउट है सर बोलो
सर जो सेकंड वाला आपने किया उसके अंदर जो फर्स्ट पोजीशन था उस पर हम लोग जीरो नहीं ले सकते तो सिक्स डिजिट आ सकते वहां पे, बट जो सेकंड पोजीशन था वहां पे तो ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते, इसलिए सिक्स हुआ ना, नहीं तो फाइव हो जाता। बट सर वहां पे सेवन नहीं आ सकता फिर डिजिट्स? नहीं इधर एक डिजिट यूज हुआ, इधर एक हुआ, दो डिजिट यूज हो गया ना। ओके सर हाँ समझ गया। आउट ऑफ एट टू डिजिट यूज हो चुका है क्योंकि मैंने फर्स्ट प्लेस को पहले ये क्या फिलअप किया, इधर एक यूज हो गया, इधर एक यूज हुआ तो बचा सिक्स ना। यस सर समझ गया। ठीक है तो फर्स्ट केस में कितना मिला आपको? सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू वन, ये केस कितना मिला? सिक्स फाइव फोर थ्री इंटू थ्री है ना, कॉमन क्या है सिक्स फाइव फोर थ्री कॉमन बचा सेवन प्लस एटीन एटीन ट्वेंटी फाइव, am I correct? Yes, sir. The 30, 120, 360 into 25. 9000. Am I right? Yes. You think that correct hai kya? Sir. Sir, ek doubt hai. Bolo. सर अभी सर आपने भी बोला था कि अगर मतलब वो अभी सर हर्ष बोला कि डिवाइड बाय टू के करके भी हम लोग कर सकते हैं, तो सर वैसे करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि सर अगर हम लोग कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं फोर डिजिट्स में जिसमें सर इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स इक्वल है तो सर उसमें डिवाइड बाय टू करेंगे तो आ जाएगा? नहीं जीरो रहेगा तो फिर नहीं होगा। सर क्या जीरो रहेगा तो नहीं होगा ना? नहीं सर बाकी हो जाएगा ना। हाँ बाकी सपोज हाँ आपका ये होगा लेट वन टू थ्री फोर दिया गया हो जाएगा आधा आधा क्योंकि इसमें देखो इसमें देखो जो हमें सिक्स डिजिट मिला था जो हम मैनुअली प्रेसेस लिए थे कहाँ गया वन टू थ्री लेके किए थे ना। ठीक है हाँ सर कहाँ पे लिखा डिलीट कर दिया क्या सर? वैसे ही लगेगा। हाँ वन टू थ्री जब किए थे ना वन टू थ्री में इसमें इवन कितने एक ही डिजिट है। हाँ सर। ऑड दो डिजिट है। यस सर। तो ये टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना मिला? थ्री डिजिट नंबर सिक्स नंबर्स आर देयर तो वही रेशियो में रहेगा, इवन टू रहेगा और ऑड उसका डबल होगा, वन इज टू टू रेशियो मेंटेन करेगा। ओके सर। इसलिए उधर टू नंबर्स मिला इवन नंबर, फोर नंबर्स मिला आपको सॉरी सर टू नंबर्स आपको इवन नंबर मिला, फोर नंबर्स आपको ऑड नंबर्स मिला। वन टू थ्री वन थ्री टू टू वन थ्री टू थ्री वन सिक्स नंबर्स ऐसे मिला था ना थ्री वन टू थ्री टू वन, ये आपका इवन नंबर ये इवन नंबर, टू इवन नंबर्स फोर ऑड नंबर्स। क्यों हुआ? ये जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री, तो ईच डिजिट के लिए आपका दो दो नंबर मिल रहा है। ओके तो टू और नंबर्स था टू और डिजिट्स था इसलिए फोर आपका नंबर्स मिलेगा आपको। एंड ये फोर जब वन टू थ्री फोर रखेंगे ना टू इवन एंड टू और डिजिट्स आप यूज कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली हाफ हाफ मिल जाएगा। ओके बट अगर जीरो आएगा तो नहीं आएगा? हाँ जीरो होगा तो उसका वो रेशियो में नहीं रहता है ना। हाँ जीरो के लिए रेस्ट्रिक्शन आ जाता है। ओके इसलिए नहीं होता। ओके सर थैंक यू। तो इसका मतलब थर्ड वन किसी का भी राइट नहीं था सर। मैंने कैसे किया? मैंने पहले 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल पहले लाइक ऑल केसेस, फिर उसमें से सेवन आउट ऑफ एट केसेस में जीरो नहीं रहेगा फर्स्ट प्लेस में, तो इंटू सेवन अपॉन एट और फिर इंटू फोर अपॉन एट बिकॉज फोर आउट ऑफ एट केसेस द एंडिंग नंबर विल बी एन इवन नंबर, तो मैंने ऐसे किया तो मुझे 8820 आ रहा है। इसमें मिस्टेक कहाँ पे गया और समझ में नहीं आ रहा। 8 फैक्टोरियल क्यों किए सर? 8 डिजिट्स दिए थे ना, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला
एनपीआर वाला, ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? 8 फैक्टर बाय 2 फैक्टर एनपीआर वाला सर, सिक्स डिजिट्स लेने ना, सिक्स डिजिट नंबर फ्रॉम द गिवन 8 डिजिट्स, ओके, फिर उसको इनटू 7 बाय 8 किया और उसको फिर इनटू अगेन 4 बाय 8, 8 फैक्टर बाय 2 फैक्टर इनटू 7 अपॉन 8 इनटू 4 अपॉन 8, 4 अपॉन 8 क्यों किया सर? बिकॉज 8 डिजिट्स में से 4 डिजिट्स आर इवन नंबर्स, सो अच्छा उसका रेशियो रेशियो रख के, हां सर, तो वो एंडिंग में 4 के सिवा ऑटो फिट इवन नंबर, वो कब होगा? जब आप सबके सब डिजिट को यूज करोगे। यहां पे जो 4 बाय 8 किए, इसका मतलब आप मान के चले कि आधा आप एग्जैक्टली हाफ डिजिट ये यूज कर रहे हो, इवन यूज कर रहे हो, हाफ ऑड यूज कर रहे हो, वो नॉट नेसेसरी ना। अच्छा, आप जब आउट ऑफ 8 से आप 6 डिजिट को उठा रहे हो, जरूरी क्या हमेशा 3 इवन रखोगे, 3 ऑड रखोगे? नहीं सर। हाँ, तो ये यहाँ पे गलती हुआ ना, वो रेशियो नहीं मेंटेन करेगा। ये कभी हो सकता है कि 5 ऑड आ जाएगा, मैंने कितना ऑड दिया है सर? 4 इवन 4 ऑड सर, आपने तो दिया क्वेश्चन में 4 इवन है, 4 इवन 4 ऑड, ठीक है, बट मैं जो 6 डिजिट्स उठा रहा हूँ, इधर से 6 ले रहा हूँ, इसमें हो सकते हैं मैं 4 ऑड 2 इवन रख ले सकता हूँ, 4 इवन एंड 4 ही है, सॉरी 4 इवन के साथ 2 ऑड रखूं, तो भी कैसा आएगा ना, ये क्यों मेंटेन होगा? 7 बाई 8 क्यों किया है? 0 के लिए। हाँ सर, वो फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि 7 8 में से 7 केसेस में 0 नहीं आएगा और एक केस में 0 आ सकता है रैंडमली। एक ये करते हैं, इसका कितना नंबर ऑफ इवन डिजिट होगा? 2 इवन, छोटा नंबर लेते हैं, इसमें 3 डिजिट बनाओ, 3 डिजिट इवन नंबर, रिपीटेशन नॉट अलाउड, बताओ, मतलब मैन्युअली नहीं कर रहा, मैन्युअली तो 102 120 302 320 ऐसे, मतलब पहले एक जीरो में रखता हूँ, जीरो रख के 2 प्लस फिलअप करता हूँ, ठीक है ना? ठीक है सर, तो 213 से कोई भी 2 सिलेक्ट कर, कोई भी 2 अरेंज करेंगे, 3 × 2 में इसको फिक्स कर दिया, 6 नंबर्स मिलेगा आपको कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि आपको एक मिलेगा 1221 देन 23 32 1331, है ना, सबके लिए 0। यस सर। अच्छा, और एक केस रखेंगे, 0 को नहीं रख रहा हूँ, मतलब मैं किसको रखूंगा? 2 को रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे फिक्स किया 2, तो यहाँ पे कितने केसेस बनेंगे? 2 सर, 3 × 2, लेकिन उसमें से फिर 0 वाले केसेस निकालने पड़ेंगे। कितना हुआ सर? 2 केसेस नहीं, 4 केसेस, 4 केसेस सर, 4 केसेस। इसको ए प्लेस में आप 2 1 और 3 रख सकते हो, 2 डिफरेंट वेज, सपोज 1 रख दिया इधर के लिए, आपको 0 रखो, नहीं तो 3 रखो, अगेन 2 केसेस। क्या क्या आपका होता है? और 2 मैंने फर्स्ट यूनिट प्लेस में रखा, तो आप रख सकते हो 1 3 3 1 1 0 3 0,
है ना, चार केसेस ये होते, समझा? तो टोटल केसेस कितना मिला मैन्युअली मैंने चेक किया, हाउ मेनी केसेस यू हैव? 10 केसेस. आप अपना यूज करो. आप क्या किए थे, 8 फैक्टर बाय, मतलब आपके हिसाब से 4 फैक्टर बाय 2 फैक्टर है ना सर, 3 डिजिट नंबर्स हैं तो 3 फैक्टर. अच्छा, मतलब 1 फैक्टर है सर. हां 1 फैक्टर 4p3 इनटू इनटू 3 बाय 4 3 बाय 4 इनटू इनटू यहां पे 1 बाय 2 कितना आएगा? कभी 10 हो सकता है क्या? 9 केसेस यू आर, 9 नहीं, हाँ 9 केसेस. मैं तो मैन्युअली करके दे दिया ना आपको. हाँ सर. तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला आपको? नहीं सर, मैं खुद सोच रहा था कि कैसे करना थे, तो मतलब मैंने ऐसे सोचा कि लास्ट प्लेस में लाइक 8 में से कोई भी 4 डिजिट इवन है तो प्रोबेबिलिटी 4/8 रहेगा आने का, इसलिए मैंने 4/8 से मल्टीप्लाई किया. वो नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है इससे, समझा ना कहाँ पे मतलब ये हो रहा है. आप अपना हिसाब से निकाल लो, आपको कहीं पे भी कुछ भी ये होता है ना, अपने हिसाब से छोटे नंबर लेकर टेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है. ठीक है सर. ठीक है, कभी भी आपका जीरो रहता है आपको 2 केसेस लेना पड़ेगा, जहां पे जीरो इंक्लूड होता है. पर्टिकुलर फॉर इवन केस में आपका यूनिट प्लेस में एक बार जीरो रखोगे तो बाकी प्लेस के लिए आपका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा. जब जीरो को मैंने फिक्स कर दिया यूनिट प्लेस में, जब नहीं किया तो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस के लिए आपका क्या रहता है, रेस्ट्रिक्शन रहता है. तो इसलिए 2 डिफरेंट केसेस आता है, तो दोनों केसेस को आपको सम करोगे. ठीक है, मैंने जो किया था देखो, मैंने ऊपर जो किया मेरे मेथड, मैंने जो मेथड यूज किया था वो क्या, और नीचे मेरा मैनुअली निकाला, ये मैंने जो यूज किया था मेथड यूज किया था, बाकी जो नीचे लिखा है मैंने मैनुअली निकाला और दोनों को मैच करा के मैंने आंसर निकाला. ठीक है, आपके सामने 10 आंसर आ रहा है बट आपके हिसाब से 9 आ रहा है. हाँ सर. तो आप अभी थर्ड का बी एंड फोर्थ को चेंज करना है तो कर सकते हो. आपका वो मेथड काम करेगा जब सारे के सारे मैं डिजिट्स यूज कर दूंगी, क्योंकि मैं जब 3 डिजिट्स इधर से उठा रहा हूं ना तो दिक्कत वो होता है. मैं कितना हमेशा जरूर नहीं कि मैं 2 इवन एंड 2 ऑड ले रहा हूं. आपका क्वेश्चन पूरा 4 के ऊपर होगा तो फिर आपका ये काम कर जाएगा. अच्छा, मतलब 4 डिजिट नंबर्स के लिए. हाँ, 4 डिजिट नंबर के ऊपर काम करेगा बट उधर से 3 डिजिट के लिए काम नहीं करेगा. ठीक है सर, उसके लिए केसेस लेके ही करना पड़ेगा ना. हाँ ओके सर. 4 डिजिट के लिए आपको रेशियो आप एग्जैक्टली पकड़ रहे हो, आपका रेशियो एग्जैक्टली आ रहा है. यहाँ पे वो क्वेश्चन 8 डिजिट का क्वेश्चन होता फिर आ जाता. ओके सर. आप कोई कुछ चेंज करना चाहोगे आपका आंसर? एंड नंबर ऑफ 6 डिजिट इवन नंबर्स रेपिटेशन अलाउड, क्या होगा? रेपिटेशन अलाउड
कितना 6 डिजिट्स आपका ये था। हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप योर यूनिट प्लस 4 फोर वेज यू कैन यूज 2084। ए प्लस कितने वे में फिलअप होगा सर 7 क्योंकि रेपिटेशन अलाउड देन 8 28 इंटू 8 रेस्ट टू 2 दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नहीं होगा समझा यस सर। फोर्थ वन अगेन सिक्स डिजिट नंबर 1572084 ओके ऑड नंबर्स पूछ रहे ऑड नंबर्स कितने वे में फिलअप करेंगे 1537 है ना 7 ways नहीं 4 ways ना odd number मतलब unit plus में odd digit होना चाहिए so this plus you can fill up with 4 different ways ये sir 6 repetition not allowed 0 नहीं होगा और यहाँ पे जो digit use किए ए प्लस में जो डिजिट यूज किए वो नहीं यूज होगा टू डिजिट्स हट जाएंगे देन इसमें 6 5 4 3 कितना हुआ और मल्टीप्लाई करना तो कर सकते 180 ये आपका 1648 8640 यस सर लेकिन ये भी गलत हुआ ना 4 3 नहीं ये गलत रिपीटेशन अलाउड क्या होगा सर 28 इनटू 8 रेस टू 4 अगेन दिस प्लस यू कैन फिल अप विद 4 4 दिस वन 7 8 ओके मतलब लाइक ये क्वेश्चन ये आंसर हां यस सर 28 इनटू 8 रेस ये है क्या नहीं ना 16 नहीं ये नहीं होगा नहीं सर वो नहीं है नहीं ये भी नहीं है 8 to 6 नहीं नो समझा कि नहीं किसी को नहीं समझा तो बताओ ओके
तो सिक्स डिजिट थोड़ा बड़ा हो जाता है क्या? ठीक है, फाइव डिजिट कर देते। फाइंड आउट, फाइंड नंबर ऑफ फाइव डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय फोर यूजिंग डिजिट्स आर 203715। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। सोच समझ के करो, ऐसा जितना जल्दी करोगे उतना मिस्टेक करोगे।
सर यस सर, ये एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में? एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है? हाँ सर, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आएगा। ओके सर, बट मैंने ऐसा कोई चैप्टर ऐसा नहीं पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर, आप खाली वो कॉन्सेप्ट्स बता रहे हो। हाँ Anything else? प्रभास बताइए, आर यू नो नंबर डिविजिबल बाय फोर और नॉट? कैन यू रिपीट सर? सर द लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर। लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय फोर, देन नंबर डिविजिबल बाय फोर, है ना? करेक्ट। देन हाउ यू गॉट 24 योर आंसर?
आई थिंक यू गॉट 24 ना. यस सर. आई डिड नॉट गेट इट. I'm asking Prabhas. Prabhas, yes. Yes, sir. I got 24. How you got 24? Tell me. Sir, the last two digits should be divisible by 4, and sir, out of the numbers, only one combination satisfied is, that is 2 and 0. So we'll fix 2 and 0 in the last position, and then we'll have 3 spaces to fill. And as repetition is not allowed, it will be 4 into 3 into 2, 24. Okay. Last two digit, last two digit, 1, 2 also will be there. 1 and 2. Sir, 7, 2, 3, 2, and 5, 2 is also possible. No. 3, 2 also there. 7, 2 and 5, 2 also there. 7, 2 also there. Why you only consider 2, 0? Yes, sir. I forgot to take the rest. So these are the similar cases. ये dissimilar case because of zero. Okay. तो आपको दो cases लेना पड़ेगा. Case one, when last two digit मतलब 10th and unit digit 20. बाकी 3 digits को fill up करोगे. In how many ways? Or 4 ways in the first case. 4, 3. First. Then again 4, 3, 3 and 2. Okay. For 1, 2, if it is 1, 2. Then sir again 4. No, it is not 4. Sir, 3, 3, 2. 3, 3, 2. In this way, how many cases? 1, 2, 3, 4. 4 cases. Sir. Okay, this is case one. A case. So ये 24 होगा, ये आपका 18 into 4, 72. Total number of cases become 96. किसी का भी answer 96 नहीं है. Not a single one. केस वन और केस टू, तो और मतलब आपका दोनों केसेस यू हैव टू टेक दैट सम, और मतलब प्लस एंड मतलब मल्टीपल इन जनरल. समझा ये कंसेप्ट? आप जीरो रहेगा तो हमेशा जीरो नॉन जीरो आपको करना पड़ेगा. आप जो मिक्सअप कर देते हो ना, फिर भी आंसर 240 कहाँ चला गया? ठीक है, ये 24 वो एक ही केस लेके किया था, and that is understood. Okay, 240 किसको मिला? सर मुझे. हाँ हर्ष बता. How you got 240? I did a mistake in taking that 7, 3, 5, 2 all cases together. और उसमें मैंने 4, 4, 2 ले लिया, 4, 4, 3 ले लिया, तो इसके लिए मैंने मिस्टेक कर दिया. इसमें आप 4, 4, 3 ले. हाँ सर. 4, 4, 3. Not in the first case sir, not in the first case, second case में. Okay. Second case you make 4, 4, 3. हाँ सर. 16, 48 into 4. Okay, okay. 48, 4 means आपका 192. हाँ सर. 192 then 24. Still 240 you will not get. नहीं सर, और first case में भी हुआ ना, उसमें मैंने 5 वो ले लिया. अच्छा, एक digit आप ज्यादा ले लिए. हाँ सर, इसके लिए वो मुझे ज्यादा आ गया. Okay. Got it. 264 किसको मिला था? Who got 264? Pius.
बताओगे? आर यू देयर? यस पीयूष, आपको कैसे मिला 264? सर मैंने मैंने ना वो 52 को नहीं लिया था केस में इसलिए। ओके एक केस मिस हो गया। ओके तो अकमल क्या 980 1080? सर वो 1080 सर। ओके समझाइए फर्स्ट वन। सेकेंड में कुछ चेंज करना चाहोगे? योर रिपीटेशन अलाउड। इफ रिपीटेशन अलाउड और कुछ केसेस इंक्रीज करेगा? व्हेन रिपीटेशन अलाउड ये केसेस के अलावा कर सकते हैं और एक 00 होगा और कुछ होगा क्या? 22 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 1155 नहीं होगा और एक केस इंक्रीज हुआ तो टोटल कितने केसेस हुआ? 6 केसेस। रिपीटेशन अलाउड के लिए कोई दिक्कत नहीं। 5 डिजिट नंबर, देयर आर 6 केसेस। इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल अप दिस प्लेस? इधर भी किसी का राइट नहीं था। थोड़ा सोच के करो, ऐसा जल्दी जल्दी में ये नहीं मत करो। मैंने क्वेश्चन लिखा वो इमीडिएट बोल दिया कि 2464, मुझे पता चल गया कि मिस्टेक होगा ही होगा। समझा कि नहीं समझाइए? यस सर। नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, डिविजिबल बाय 5 यूजिंग, मैंने यहाँ पे 9 कितना डिजिट्स 8 डिजिट्स दिया। सर वो रिपीटेशन नॉट रिपीटेशन। एक मिनट ठीक है। हाँ दो केसेस और रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5।
No hurry, take your time and do. एट रेस टू फोर इंटू 14, ये किसका आंसर, ए और बी का? सर बी का आंसर है।
डन, नंबर डिविजिबल बाय फाइव कैसे होगा सर? यूनिट प्लेस में फाइव या जीरो, तो टू डिफरेंट केसेस लेना पड़ेगा। यस सर, एक जीरो को मैंने फिक्स कर रहा हूं, तो कितने डिजिट दिया? एट डिजिट्स, तो दिस प्लेस यू कैन फिल अप विथ सेवन, सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री, ये आपका वन, नहीं फाइव रहेगा तो सर फर्स्ट प्लेस में सिक्स आएगा, देन सिक्स फाइव फोर थ्री है ना, ये भी वन केस, केस वन प्लस केस टू है ना, तो कॉमन इज द सिक्स फाइव फोर थ्री सर, फोर्टी टू इंटू थ्री सिक्स फाइव फोर थ्री सिक्स थर्टीन, दिस इज द करेक्ट आंसर। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. ये 5040 किसको आया था? 5040 अपना। सर मेरे को आया था। हाँ बताइए कैसे मिला? सर एक्चुअली मैं भूल गई कि जीरो भी रहता है, सो वहाँ से पूरा गलत हो गया दोनों ही पार्ट। ओके, 3600 किसको मिला था? पीयूष किसको मिला था? 3600 किसको मिला था? पीयूष ना, या कैसे मिला? सेकंड वन रेपिटेशन अलाउड, here zero or five, two different ways, repetition allowed. Sorry, this place you can fill up with seven. eight. ये क्या हुआ? ये two cases आ रहे, find sum of all six digit numbers whose sum of digits is an odd.
मिला के सीखो सर, सम ऑफ ऑल सिग्मा कर रहा हूं सर, मतलब हर एक जो अरे सर फाइंड सम ऑफ ऑल सिक्स डिजिट नंबर्स टू सम ऑफ डिजिट्स इज एन ऑड, मतलब जो जो मतलब जितने नंबर होंगे उनका भी सम निकालना या फिर वही सारे नंबर भी। yes. मैं जो सिक्स डिजिट नंबर रखा सपोज कितना सिक्स डिजिट हुआ ना, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है, मतलब सम ऑफ डिजिट्स इवन के ऑड ऑड, तो ऐसा कुछ नंबर हो सकता है, मतलब ऐसे जितने भी नंबर होंगे सिक्स डिजिट वो कितने नंबर थे बस वही ढूंढना है ना। हाँ, और इसमें सम ऑफ ऑल पूछा गया मतलब रिपीटेशन अलाउ, नॉट नेसेसरी मतलब ये यहाँ पे भी फाइव होगा भी चलेगा। ओके सर, अरे बाप रे, इतने सारे नंबर होंगे, इतने सारे नंबर नहीं, सबका उन नंबर का सम भी मांगा है ना। नहीं 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 नंबर का सम नहीं मांगा सर, सम लिखा है फाइंड सम ऑफ ऑल सिक्स डिजिट नंबर्स। सॉरी ओके ओके, एक 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 ये क्वेश्चन है, find number of six digit number whose sum of digits is an odd। galat hai, find number of six digit numbers whose sum of digits is an odd। Anything? This is the correct one. Six digit number.
सम ऑफ फाइंड नंबर ऑफ सिक्स डिजिट नंबर्स, ये दिया जाएगा, मतलब रिपीटेशन अलाउड बाय डिफॉल्ट, रिपीटेशन अलाउड। ओके, जहां पे नॉट अलाउड होता है वो दिया जाता है, मेंशन किया जाता है। तो ये प्लेस में हम कितना डिजिट्स यूज कर सकते हैं? सर 5। ये प्लेस में क्यों? अरे सॉरी सर, 9 डिजिट। 0 को छोड़ के हम कुछ भी रख सकते हैं। ये प्लेस में 10 डिजिट 10 10 10। ओके, तो ये जो फाइव डिजिट्स मैंने यूज किया, इसका कुछ ना कुछ तो सम होगा। ये फाइव प्लेसेस में जो पांच डिजिट्स मैंने यूज किया, कोई भी पांच डिजिट्स आप जो भी यूज किए, ये पांचों का तो सम कुछ होगा ही होगा ना। इसका सम क्या हो सकता है? या तो ऑड या तो ऑड या इवन या ऑड हो सकता है, नहीं तो इवन हो सकता है। यस सर, कोई एक होगा, दोनों तो नहीं होगा। हाँ सर, जो भी होगा, सपोज ऑड हुआ तो इसमें क्या यूज करेंगे? इवन यूज करेंगे। तो दिस प्लेस यू कैन फिल अप विथ 5 डिजिट। नहीं, इवन हुआ तभी भी 5 डिजिट में फिल अप होगा। यस सर, बट दोनों केसेस होने का चांस नहीं, कोई एक ही केस होगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 4,50,000। सर, हम ये लॉजिक भी यूज कर सकते हैं ना कि 1 लाख से लेके 1,10,000 तक ऐसे पांच नंबर्स है जिनका सम ऑड होता है, और वैसे ही पूरे 9 लाख डिजिट नंबर्स होते हैं उसमें हर एक 10 के इंटरवल में आधे होते हैं। तो आपका 6 डिजिट नंबर 1 लाख से स्टार्ट हुआ, देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 9। यस सर, 1, देन होगा सर एग्जैक्टली हाफ जो नंबर्स आते हैं उस रेंज में, हाँ वो ऑड होने वाले। यस, अप टू कहाँ तक चलेगा? 6 times 9। यस सर, तो हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर ऑल टोटल? 900,000। 9 lakhs। यस सर, ठीक है, इतने आपका नंबर ऑफ नंबर्स मिला है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम। इसका सम ऑफ डिजिट्स ऑड, इसका सम ऑफ डिजिट्स इवन ऑड ऑड इवन। ओके, जहां पे कभी कभी क्या होता है, दो एग्जैक्टली कंजुगेटिव 2 इवन होगा, नेक्स्ट वाला उसको एडजस्ट कर देगा, मतलब नेक्स्ट 10 वाला, जैसे कि 100009, इसका सम कितना होगा? इवन। 100010, इसका सम क्या हुआ? इवन हुआ। तो ये कंजुगेटिव दोनों इवन दिया, बट 19 और 20 देखोगे दोनों ऑड हो जाएगा। चेक करो, ये भी ऑड, तो उसको एडजस्ट वो करता है। तो एग्जैक्टली जितने भी नंबर्स रहा, नंबर ऑफ नंबर्स यहाँ पे 9 lakhs हुआ, एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम इवन होगा, सम ऑफ डिजिट्स इवन होगा, एग्जैक्टली हाफ ऑफ देम सम ऑफ डिजिट्स ऑड। ठीक है? यस सर। कितना होगा? 5 factorial by 2 factorial। ऐसा क्यों सर? रिपीटेशन अलाउड है कि नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पे जब दिया जाता है ना, आपको देखो मैंने 5 डिजिट्स दिया। ओके, 1 2 2 3 4, ऑल्दो आपका 2 2 रिपीट हुआ है, 5 डिजिट्स दिया गया और पूछा गया कि 5 डिजिट नंबर,
तो यही पांच डिजिट को ही आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन का केस नहीं रहेगा, जबकि आपको नंबर में जो मैंने डिजिट्स प्रोवाइड किया ना उसमें रिपीटेशन ऑलरेडी है, इसलिए 5 फैक्टोरियल बाय 2 होना चाहिए, क्योंकि हर हर, हर जो 2 वाले जो नंबर्स है हमने दो बार काउंट किए। समझाइए। यस सर। मैं इसको क्या कर देता हूँ, 1 एक 2x फर्स्ट, ये 2 को मैंने 2x मान लिया, सेकंड 2 को 2y मान लिया, डिफरेंट बना दिया, ठीक है 3 4। अब इसका 5 डिजिट नंबर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल। ओके, तो आप 1 2 3 2a 2b 3 2a 3 2b 4 एंड 1 2b 3 2a 4, ये दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं सर, नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका दो दो केसेस क्या हो जाता है, एक एक केस होता है। यस सर। 2a 2b कहीं पे भी रहेगा उसका दो केस हम काउंट नहीं करेंगे, वो दो डिफरेंट को हम क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे, इसलिए बाय 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो जितना आइडेंटिकल होता है उतना फैक्टोरियल डिवाइड होता है। तो यू कैन मेक इट नोट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स Among themselves क्या होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n थिंग्स among themselves n डिफरेंट थिंग्स कितना होगा? n factorial। समझा? क्योंकि yes, n थिंग्स n places, आप ऐसे लिख सकते हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स आउट ऑफ व्हिच पी अलाइक थिंग्स आर फर्स्ट काइंड, मतलब एक टाइप का है, क्यू अलाइक थिंग्स आर second kind, r alike things are third kind, बस rest different, क्या होगा sir? n factorial by p factorial, 2 factorial, r factorial, n factorial upon p factorial, q factorial, r factorial. For an example, जैसे आर्यन, इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा सर? 5 factorial by 2 factorial, क्योंकि 2 आर आइडेंटिटी। यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम यहां से हम स्टार्ट करेंगे, इधर से और कुछ। ओके सर, समझा ये सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you and bye. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Sir, वो जो आपने factorial के लिए वो दूसरा symbol use किया वो कौन सा? दोनों को factorial बोला जाता है। अच्छा। Okay. Sir.